दो मछलियाँ और एक मेंढक साथ रहा करते थे। मछलियों को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था, लेकिन मेंढक अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करता था। फिर भी तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों इकट्ठे तालाब में एक साथ घूमा करते और हमेशा साथ रहते। जब भी कोई संकट आता तो तीनों साथ मिलकर लड़ते। एक दिन नदी के किनारे एक मछुआरा जा रहा था। उसने देखा कि भरा हुआ है। मछुआरों ने कहा, मैं कल सुबह यहाँ आऊँगा और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर ले जाऊँगा। मेंढक ने मछुआरे की सारी बातें सुन ली थी। वह तालाब में मौजूद सभी की जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के पास गया। उसने मछलियों को मछुआरों की सारी बात बताई। एक मछली ने कहा, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरी मछली कहने लगी, हम मछुआरों के डर से अपने पूर्वजों की जगह छोड़कर नहीं जा सकते हैं। दोनों ने फिर कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम अपना बचाव कर सकते हैं। मेंढक ने कहा, मुझे पास में मौजूद एक तालाब के बारे में पता है जो इसी तालाब से जुड़ा है। उसने तालाब के अन्य जीवों को भी साथ चलने को कहा, लेकिन कोई भी मेंढक के साथ जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को उन दोनों मछलियों पर भरोसा था, सबकी जान बचा लेंगी। मेंढक ने कहा, तुम सब मेरे साथ चलो, मछुआरा सुबह तक आ जाएगा। इस पर मछली ने कहा, मुझे तालाब में छिपने की एक जगह पता है। तो दूसरी मछली ने भी कहा, मुझे भी तालाब में छिपने की जगह मालूम है। इस पर मेंढक ने कहा, मछुआरे के पास बड़ा जाल है, तुम उनसे नहीं बच सकते हो। लेकिन मछलियों को अपनी बुद्धि पर बहुत गुमान था। उन्होंने मेंढक की एक न सुनी, लेकिन मेंढक उसी रात अपने साथियों के साथ दूसरे तालाब में चला गया। दोनों मछलियों ने मेंढक का मजाक उड़ाया। अब अगली सुबह मछुआरा अपना जाल लेकर वहां आ पहुंचा। उसने तालाब में जाल डाला। तालाब के सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन मछुआरे के पास बड़ा जाल था, जिस कारण कोई भी बचकर नहीं जा सका। जाल में बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी गईं। उन दोनों मछलियों ने भी अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मछुआरे ने पकड़ ही लिया। जब उन्हें तालाब से बाहर लाया गया, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। दोनों मछलियों का आकार सबसे बड़ा था, इसलिए मछुआरे ने उन्हें अलग रखा था। उन्होंने बाकी मछलियों को एक टोकरी में डाला, जबकि उन दोनों मछलियों को कंधे पर उठाकर चला जा रहा था। जब वह दूसरे तालाब के ऊपर पड़ी, उसे अपने मित्रों की यह हालत देख बहुत दुख हुआ। उसने अपने साथी से कहा, काश इन दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये जिंदा होती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन यही घमंड जानलेवा साबित हो सकता है।